ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन, और इसके सेकंड है कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू फॉर ईच ईयर ऑफ एसेट लाइफ। ठीक, तो पहले इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मेथड कौन सा यूज होगा? स्ट्रेट लाइन। कहाँ लिखा है? हाँ, मेथड यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अब डेटा से, ठीक है, तो डेटा में क्या लाइफ कॉस्ट है, लाइफ दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू है, जिसमें हम यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला आ गया कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट कितनी है? 2500, यूजफुल लाइफ 3 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू 250। ठीक है, द कॉस्ट आ गई 2500, स्क्रैप वैल्यू 250, लाइफ 3 इयर्स। ठीक है, माइनस करके डिवाइड करते हैं। ठीक, 750 आ जाएगा इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसमें हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम आएगा, तो बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड रिक्वायरमेंट अभी बाद में करेंगे। अच्छा, कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट बनाई थी, याद है? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाया था, उसमें लिख रहे थे ना नेट बुक वैल्यू, जाके किसके इक्वल थी, क्या थी, कैसे आई, घर जाके नहीं पढ़ा चले। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हमें बनाते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं 3 इयर्स। अच्छा, इस तरह से कॉस्ट कितनी है 2500। अच्छा, ईयर वन के एंड पर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना होगा? 750। माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी 1750। अच्छा, ईयर टू कॉस्ट तो वही रहेगी, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1500, 750 प्लस 750, 1500, नेट बुक वैल्यू 1000 आ जाएगी। ठीक, ईयर थ्री कॉस्ट परचेस ऑफ सेम रहेगी 2500, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? हाँ, अब 1500 में 750 ऐड कर लेंगे तो 2250 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा, माइनस कर देते हैं तो 250 इस बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कॉपी कर लें। ठीक है, इसमें कॉस्ट है 6000। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर वन है तो जीरो होगा, और परसेंटेज क्या है? 40। तो कॉस्ट आ गई 6000, एक्यूमुलेटेड जीरो, ईयर वन है तो इसका 40% 2400 आ जाएगा। ठीक, तो ये ईयर वन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2400। अच्छा, ईयर टू कॉपी एक साथ कर लीजिएगा। अच्छा, ईयर टू, अच्छा, कॉस्ट क्या होगी? अब कॉस्ट तो वही रहेगी 6000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? एक्यूमुलेटेड 2400 हो जाएगा, और माइनस करेंगे फिर 40% लेंगे अपनी, 6000 माइनस 2400 40% आ गया 1440। ईयर टू का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा। अच्छा, 2400 और 1440 को ऐड कर लें। ठीक है, तब ईयर थ्री कॉस्ट तो वही रहेगी 6000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? हाँ, अब इसमें 2400 और 1440 को ऐड कर लेंगे तो 3840 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और उसका 40%। ठीक, तो ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 864। ठीक है, अब वो बढ़ते हैं डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा, डिस्पोजल क्या है कि एक एसेट हमने बाय किया, कुछ साल यूज किया और उसके बाद सेल कर।
अच्छा कितने में सेल होगा? जो उसकी बुक वैल्यू होगी उतने में सेल हो जाएगा या उससे कम में या ज्यादा में? मैकबुक में सेल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू से ज्यादा में भी सेल हो सकता है और बुक वैल्यू से कम में भी। अच्छा ज्यादा में सेल होगा तो प्रॉफिट और कम में सेल हुआ तो लॉस हो जाएगा। अच्छा तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है इसकी, पहले आपने लॉस गेन कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर उसकी एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाए, ठीक है। अच्छा इसमें डेटा हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, राइट। तो वही एसेट की कॉस्ट है 6,000, ईयर 3 में सेल कर रहे हैं, कितने में सेल हुआ? 3,000 में सेल हो गया। अच्छा आगे क्या लिखा है, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो डेप्रिसिएशन कितने ईयर का चार्ज होगा? 2 साल का, ईयर 1 ईयर 2। तब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन कितना था? यहाँ पे यूज कर देंगे तो बैक कर देता हूँ एक बार रिवर्स को। ईयर 1 का डेप्रिसिएशन था 2400 और ईयर 2 का डेप्रिसिएशन था 1440, दोनों याद रखिएगा। पहले लॉस गेन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एंट्रीज और टी अकाउंट। कॉस्ट है 6,000। अच्छा 2 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा? 3840, 3840 माइनस करते हैं, नेट बुक वैल्यू आ गई 2160, राइट। अच्छा सेल कितने में कर रहे हैं, डिस्पोज कितने में हो रहे हैं? 3000 में डिस्पोज कर रहे हैं, तो गेन होगा या लॉस? गेन हो जाएगा ना, क्योंकि नेट बुक वैल्यू कम है, डिस्पोज ज्यादा में कर रहे हैं, तो ये गेन होगा 840 का, गेन ऑन डिस्पोजल 840 का। क्लियर, ठीक है, इसको कॉपी कर लें पहले। अच्छा की रिक्वायरमेंट ये हो गई, लॉस हमने गेन कैलकुलेट कर लिया 840। अब इसकी एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा आपके ख्याल में क्या एंट्रीज होनी चाहिए? एसेट डिस्पोज कर रहे हैं तो क्या एंट्रीज होनी चाहिए? एसेट आपका जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो गया तो मशीन को तो क्रेडिट कर देंगे। अच्छा कैश रिसीव हो रहा है, कैश डेबिट हो गया, और अच्छा गेन भी हुआ है, गेन डेबिट होगा क्रेडिट, गेन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और सही है, और एक एंट्री और होगी, हो गई ना, मशीन क्रेडिट हो गई, कैश डेबिट हुआ, गेन क्रेडिट हुआ, एक एंट्री और है। हाँ क्या होगा? एक्यूमुलेटेड रिवर्स होके किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे, ठीक है जी। समझ आया किसी को? क्या समझ आया? नहीं आई डेप्रिसिएशन पहले ज्यादा होनी थी लेकिन अब वो कम हो गई है ना, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू तो नहीं बताता चला। अच्छा देखिए इसको एक टी अकाउंट से पहले समझाता हूँ आपको। देखिए आप, ये मशीन अकाउंट है, तो अच्छा मशीन अकाउंट का बैलेंस इस वक्त कितना होगा? 6,000 है। एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है? आफ्टर 2 ईयर्स ना, ईयर 3 में डिस्पोज कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 ईयर्स ये 3rd ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मशीन अकाउंट का, और ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 3840, 2 ईयर्स का एक्यूमुलेटेड। अब ये मशीन हम डिस्पोज कर रहे हैं ना, अच्छा मशीन गई, मशीन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो फिर आपने कहा कैश रिसीव हो रहा है तो कैश हो जाएगा डेबिट, और गेन हुआ क्रेडिट हो गया ना। अच्छा बी अकाउंट रह गया हमारा, देखिए मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो मशीन अकाउंट हो जाएगा क्लोज, क्लोज हो जाएगा खत्म, ये रह गया 3840। इसका क्या करें? ऐसे जोड़ दें। अच्छा देखिए ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। हाँ क्या ख्याल है? हाँ देखिए, अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका है? इस मशीन का ना। अब मशीन कहाँ है? डिस्पोज हो गई। जब मशीन ही नहीं रही आपके पास तो फिर उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन रखने का क्या फायदा? ये मशीन आपकी क्रेडिट हो गई, मशीन अकाउंट क्लोज, तो फिर इसको मेंटेन रखने का क्या फायदा?
तो इसको भी फिर क्लोज ही करेंगे ना, खत्म करें इसको भी। जब मशीन अकाउंट क्लोज हो गया, मशीन चली गई, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, इसको भी क्लोज कर देंगे ना, ठीक है ना। ना मशीन ही नहीं रही, इसको मेंटेन करने का क्या फायदा, ठीक है। इसको भी क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई है, मशीन क्रेडिट, मशीन अकाउंट क्लोज हो गया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, अलाउंस अकाउंट क्लोज, कैश रिसीव हो रहे डेबिट, गेन हुआ क्रेडिट, और लॉस होता तो डेबिट होता, ठीक। ये जस्ट क्लियर, तो मशीन अकाउंट क्लोज, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर देंगे। तो अब टोटल 4 एंट्रीज हो गई, एंट्रीज क्या बनेंगे अब, कैश डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट, और गेन क्रेडिट, ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल, और ये गेन कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ मैंने आईएस लिखी, ठीक। तो ये एक एंट्री हो गई डिस्पोजल की। अच्छा, ये इसकी कंपाउंड एंट्री है, ठीक है, ये कंपाउंड एंट्री है। अच्छा, ये भी, अच्छा, नॉर्मली एंट्री बनती नहीं है, इसे समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी क्वेश्चंस में पूछ भी लेता है, ये वाली एंट्री पूछ भी लेता है। अब जो एंट्रीज हम बनाते हैं प्रैक्टिकली, जो एंट्रीज बनती हैं वो क्या बनती है वो बता देता हूँ आपको, अब इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पहले तो एक चीज बताइए, जो हमने अभी लॉस गेन कैलकुलेट किया, ये तो कैलकुलेशन की ना हमने, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड माइनस सेल प्रोसीड। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो होती है सिर्फ ये पढ़ने की हद तक, क्या प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तो वहां पर फिर लॉस गेन कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन नहीं होती, बल्कि एक टी अकाउंट बनता है, उसका भी एक टी अकाउंट बनेगा, उस टी अकाउंट से फिर हम लॉस गेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब वो कैसे होगा, अब वो बताता हूँ। अब हम बनाते हैं टी अकाउंट के साथ एंट्री, तो सर पहले टी अकाउंट बना लेते हैं, फिर एंट्रीज बाद में बनेंगे। ये आपका मशीन अकाउंट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक। अच्छा, जब भी कोई एसेट डिस्पोज होता है, सेल करते हैं, तो एक अकाउंट बनेगा नया डिस्पोजल के नाम, नया अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्पोजल अकाउंट है, इसकी कोई नेचर नहीं है, ना ये एसेट है, ना एक्सपेंस लायबिलिटी, कुछ भी नहीं, टेम्परेरी अकाउंट है, डिस्पोजल के टाइम पे ओपन होगा, लॉस गेन कैलकुलेट करने के बाद क्लोज हो जाएगा। जिसमें सस्पेंस अकाउंट हम पढ़ते थे, टेम्परेरी अकाउंट होता था ना, एरर की वजह से ओपन हुआ, करेक्शन के बाद क्लोज हो गया, खत्म। तो इसी तरह ये भी टेम्परेरी अकाउंट है, डिस्पोजल के टाइम पे ओपन होगा, लॉस गेन कैलकुलेट करने के बाद क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो अब इसमें देखिए, जब हम एंट्रीज बनाएंगे ना, तो आपने दूसरे अकाउंट्स को देखना है, वो डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट, डिस्पोजल को नहीं देखना, ये क्या होगा, ये अपोजिट साइड पे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हमने जो भी एक एंट्री बनाई थी कंबाइंड एंट्री, अब वही एक एंट्री चार एंट्रीज में डिवाइड हो जाएगी, एक एंट्री फोर में डिवाइड होगी, कैसे, देखिए मशीन हमने डिस्पोज की, मशीन अकाउंट हो गया क्रेडिट, ये डिस्पोजल अकाउंट हो जाएगा, पहली एंट्री हो गई मशीन क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। तो मशीन अकाउंट को हमने डिस्पोजल अकाउंट में क्लोज कर दिया। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, अब ये क्लोज होगा तो डेबिट होगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, और ये क्लोज हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट, ठीक। अब थर्ड एंट्री कैश रिसीव हो रहे हैं, तो कैश डेबिट होगा। अच्छा, कैश अकाउंट फिलहाल नहीं बना रहे, तो कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एंट्री हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अकाउंट्स क्लोज करेंगे, मशीन अकाउंट क्लोज हुआ, खत्म, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म, अब डिस्पोजल अकाउंट क्लोज करेंगे। अब डिस्पोजल अकाउंट में देखेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का, ठीक है, 6840 में से 6000 लेस करेंगे, 840 का डिफरेंस आएगा, और ये होगा आपका गेन ऑन डिस्पोजल, जिसे हम ट्रांसफर कर देंगे इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डेबिट है, तो इनकम स्टेटमेंट में जाकर क्रेडिट, क्लियर। अच्छा, ये इसके एंट्रीज हो गए डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ एंट्रीज क्या बनाई, पहली एंट्री क्या थी, मशीन क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, सेकेंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, थर्ड कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, और फिर फोर्थ क्या बनी, गेन की, डिस्पोजल डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट।
चार में डिवाइड होंगे, ठीक। तो वही एक कंबाइंड एंट्री हमारी फोर में डिवाइड हो जाएगी। अब फोर में डिवाइड होने के बाद एंट्रीज क्या बनेंगी, अब कुछ इस तरह देखें। पहली एंट्री थी हमारी डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट, सेकंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, थर्ड कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, और फोर्थ आपके डिस्पोजल डेबिट गेन इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। तो प्रैक्टिकली ये एंट्रीज बनती हैं और डिस्पोजल अकाउंट बनता है लॉस गेन के लिए। बाकी अपनी पेपर की हद तक हम कैलकुलेशन करके भी लॉस गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों एंट्रीज एग्जाम में पूछता है, कंबाइंड एंट्री भी पूछ लेता है और ये सेपरेट एंट्रीज भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो दोनों कॉपी करेंगे, सब आप कॉपी कर लें इसको स्टार्ट से। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अच्छे लग रहा है जी। 7 में कोई प्रॉब्लम? सेम आंसर, ठीक है।